न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबली पार्क से चोरी की स्कूटी और फोन की छिनतई मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। दोनों अपराधी बिरसा नगर के ही रहने वाले हैं। वहीं इनकी गिरफ्तारी 5 घंटे के भीतर की गई। इसमें ऋषि दलाई 19 वर्ष और गौरव मुखी 19 वर्ष शामिल है। इन दोनों के पास सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी और ओप्पो फोन जब्त की गई। चोरी की गई स्कूटी बिरसा नगर से जब्त की गई। वहीं उन्होंने बताया कि वे सिद्धगोड़ा एग्रीगो सिग्नल से ऑटो सवार महिला से ओप्पो फोन की छिनतई की थी। शहर के अन्य जगहों से भी कई जगह छिनतई की है। इस मामले में 15 सितंबर को स्कूटी चोरी का मामला थाना में दर्ज करवाया गया था। वहीं सिद्धगोड़ा थाना में महिला ने मोबाइल छिनतई की शिकायत दर्ज कराई थी। हाँ, थोड़ा सा पुरस्कार दिया जाता है तो उस टीम को भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। जी, मामला क्या है? बिष्टुपुर थाना के अंतर्गत स्कूटी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि लोगों का नाम सामने आया था और कुछ हम लोग को सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड हुआ था। उसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया और हम लोगों ने छापेमारी करते हुए त्वरित कार्रवाई करी और उनकी तत्परता के चलते हम लोगों को जो स्कूटी थी वो लेस देन 6 आवर्स में हम लोग ने रिकवर करी और जो मतलब अक्यूज थे उनको भी गिरफ्तार किया। उनके द्वारा एक और उस स्कूटी को प्रयोग करते हुए घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने एक लड़की से उसका मोबाइल छीना था, तो मोबाइल भी रिकवर किया गया। और अब कुछ दिन के लिए हमको लगता है शहर में थोड़ा हम लोग की चिंता की घटनाओं पर हम कुछ लगाने में कामयाब हो। कितने दिनों से रहते हैं इस तरह कर रहे हैं ये लोग? का मतलब ये कोई वन टाइम वो नहीं है, पहले भी करते रहे हैं, पकड़ में नहीं आए थे, इस बार पकड़ में आए हैं। अब इसका अपराधिक इतिहास बनेगा और पुलिस करते हैं कि अब लंबे समय देंगे। किसी गिरोह से निकल कोई संबंध है? आज कोई ऑर्गेनाइज गिरोह तो नहीं है, अपना लोग छुटिया 4-5 लड़का मिलकर अपना ग्रुप बना के वही सब काम करता है। दो लोग हैं ये, दो लोग हैं पर इनकी टीम में और भी लोग हैं। क्या नाम है दोनों का? दोनों का नाम जो है, एक का नाम है आपका ऋषि दलाई और एक गौरव मुखी। कहाँ के रहने वाले? ऋषि दलाई हैं आपके बिरसा नगर के, दोनों ही बिरसा नगर के रहने वाले। और उन्हें घटना को अंजाम दिया? घटना को अंजाम दिया है इन लोगों ने और उसके अंतर्गत भी हम लोग जांच छापेमारी कर रहे हैं, निशानदेही पे। अभी कुछ और चीज़ें बरामद होने की संभावना है। इसके और भी कोई साथी लोग हैं? साथी हैं और साथी हैं।13 तारीख को एक और घटना को अंजाम दिया, उसमें भी चेन छिनतई की गई थी इनके द्वारा। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यूजुअली हम लोग यही देख रहे थे कि थोड़ा जो ओल्ड एज लेडीज रहती हैं उनको टारगेट करके ये लोग उनसे सोने का सामान छीनने का प्रयास करते थे, उसमें सफल भी रहे थे। तो उसी जगह उसी के आधार पर दो कांड दर्ज किए गए थे थाना में। तो उसी में फिर ये लोग जो है कल एक टीम का गठन करा गया था एसएसपी सर के निर्देश अनुसार और उसी में हम लोगों ने फिर रेगुलर फॉलोअप और एक अच्छे से कार्य करते हुए मतलब इन लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया। इनका एक और साथी है जो कि एक दिन पूर्वी जेल गया है, उसके पास से भी रिकवरी था, वो भी एक कांड का अभियुक्त था। और अब ये दो लोग जो बचे हुए थे उनके ग्रुप के मेन जो लोग टीम थे, ये दोनों लोग भी अब जेल जा रहे हैं। इनके पास से हम लोगों को दोनों महिलाओं के साथ छिनतई के दौरान जो इन्होंने चेन छीनी थी वो चेन भी बरामद की है हम लोगों ने। और फिर इन लोगों की निशानदेही के आधार पर हम लोगों को 2 जिंदा कारतूस भी प्राप्त हुआ है, तो उसका हम लोगों ने एक और अलग से कांड दर्ज किया है। तो कुल मिला के इन लोग 3 कांड में अभियुक्तिकरण होने के पश्चात जो है अब हम लोग कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गोली मिली या पिस्टल की? क्या नहीं, पिस्टल नहीं मिला है, गोली मिली है। क्या नाम है सर इन दोनों? इन दोनों का नाम है, एक डुबराज किस्कू है, ये रहने वाले हैं बागबेड़ा के ही हैं, और सुखलाल मुंडा है, ये रहने वाले ये भी बागबेड़ा के। घटना भी बागबेड़ा में किया? घटना बागबेड़ा के।